नंबर लाइन और इंटीजर में कंफ्यूजन होते हैं कि इंटीजर को किस तरह से एंटर किया जाए, प्रेशर सेट करते हैं। तो हमने इसे एक गेम के अंदर हम नंबर लाइन को शो कर लेते हैं और इंटीजर को भी शो करेंगे, इंटीजर का एडिशनल और सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या किया है, ये तीन टाइप की इनपुट एक रेड और एक ग्रीन। रेड है इंडिकेट कर रहे हैं अपने नेगेटिव, ग्रीन इज व्हाट हमारे इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव इंटीजर। जब हम ये हमारे लिए दो प्लेयर लिए हैं दोनों क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जीरो। अब जैसे हमने इसको दोनों डाइस में थ्रो किया, अब देखिए इस पे आया है फोर, इस पे आया है आपका वन, तो यानी कि हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्लेयर होगा तो पहले चार स्टेप तो आ गया, चार स्टेप आ गया तो ये फोर, लेकिन अब क्या है एक स्टेप उसको पीछे आना, तो एक स्टेप पीछे आएगा तो ये हो गया अपना तीन। अब इसी तरह से दूसरा प्लेयर खेलेगा इसको स्टार्टिंग पॉइंट से, दोनों पे फाइव फाइव आ गए, यानी कि पहले पांच स्टेप आ गया फिर पांच स्टेप पीछे आएगा, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। उसके बाद हम वन दूसरे प्लेयर की टर्न आ गई, तो इसमें क्या है वन है और इसमें क्या है फोर, वन है तो यानी कि ये क्या होगा पहले एक स्टेप आ गया आएगा, फिर फोर स्टेप वापस पीछे बैक लगा लेते हैं, यानी कि जीरो पे आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे प्लेयर की टर्न आई, तो इसमें जो दोनों पे छह छह आ गए तो यानी कि फिर से कैंसिल हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया इस पे एक पे फोर एक पे वन है, यानी कि एक प्लेयर क्या होगा एक स्टेप आ गया फिर फोर स्टेप पीछे जाएगा, वन टू थ्री फोर, यानी कि वो इसके पहुंच गया माइनस थ्री फोर। तो हमने इसमें क्या रखा है, एक तो है विनिंग पॉइंट, एक है प्ले अगेन, अगर जो विनर पॉइंट पे पहले पहुंचेगा वो क्या होगा विनर हो जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वो लूजर हो जाएगा। लेकिन अगर जो मान लो कोई प्लेयर इस तरह से माइनस पंद्रह पे पहले पहुंच जाता है तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, दोबारा से उसको स्टार्ट करना होगा। अब इससे क्या होगा कि बच्चे मोस्टली इंटीजर, जिनको इंटीजर सबट्रैक्शन और एडिशन में अंतर नहीं पता और या फिर उसका क्लियरली एडिशन नहीं कर पाते, सबट्रैक्शन नहीं कर पाते इंटीजर का, तो वो इससे अच्छे से वो क्या होंगे इससे सीख जाएंगे। साथ में हमने ये डाइस का यूज़ किया, ये डाइस में मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि रेगुलर डाइस क्या होती है और इरेगुलर डाइस क्या होती है। रेगुलर डाइस क्या होती है कि जिसका अपोजिट सम, जैसे ये वन है और दूसरी साइड सिक्स है अपोजिट साइड, अगर इन साइड अगर आपका सेवन है तो ये क्या होगा रेगुलर डाइस होगा, जिस तरह यही पे फाइव है तो यही पे क्या आपका टू है, तो ये भी आप इसको बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी डाइस का मैंने यूज किया इरेगुलर डाइस, जैसे वन के अपोजिट में आपका क्या है थ्री यानी कि फोर है, यानी कि सम इनका क्या नहीं आ रहा सेवन नहीं आ रहा, तो इसलिए आप इसमें कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप बच्चों को रेगुलर डाइस और इरेगुलर डाइस भी बता सकते हैं, आप नंबर लाइन बच्चों को बता सकते हैं जिसमें बीच में आपका